नहीं होगा अनुपमा का अमेरिका जाने का सपना पूरा, अपने ही हाथों कुचल देगी अपने सपने को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का अमेरिका जाने का सपना कब से हम सुन रहे हैं, और बहुत बार मैंने ये बात कही है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी, और अब ये बात पूरी तरह से सत्य होती हुई नजर आ रही है। आज की कड़ी देखने के बाद इस बात को और ज्यादा मानने को मन करता है कि अनुपमा खुद अपना अमेरिका जाने का सपना सैक्रिफाइस करेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की अनुपमा की जो स्पीच थी, जो ज्ञान था माया के लिए, उसमें अगर हम पूरी तरह ध्यान दें तो एक चीज तो उभर के सामने आई है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी। कहा नहीं है उसने, मगर यह बात सामने आई है, क्योंकि जब अनुपमा यह बात कहती है कि छोटी के लिए हमने अपना प्यार छोड़ दिया, जो बहुत बड़ी बात है, यह प्यार जो 26 साल बाद मिला था, यही कहा ना अनुपमा ने कि हमने उसका त्याग कर दिया क्योंकि छोटी की जिंदगी का सवाल था, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल था। अब आगे जो इंसिडेंट होने वाले हैं जिसमें माया जाने वाली है, और माया को जब अनुपमा समझा रही थी कि तुम जो मां हो उसकी, तुम्हारे ही सामने बच्ची डरी रहती है, और बच्ची का बचपन पहले ही चला गया है इतने साल अनाथ आश्रम में, और अब यहां पे तुम्हारी ये हालत देख के, तो ये जो सीक्वेंस बनी है दोस्तों कि पहले वहां पे अनाथालय में उसके साथ अन्याय हुआ, यानी कि वहां पे बच्चे को वो प्यार तो नहीं मिला जो फैमिली में मिलता है, फिर उसकी अपनी बायोलॉजिकल मदर जो थी उसने उसका ध्यान नहीं रखा, उसके सामने वो ऐसा हुई कि उसको अपनी मां से ही डर लगना शुरू हो गया। अब उसके बाद जब माया की डेथ हो जाएगी तो छोटी पे क्या बीतेगी, और क्या इस समय अनुपमा का छोटी के पास होना ज्यादा जरूरी नहीं है? अगर हम अनुपमा के कैरेक्टर को समझें तो डेफिनेटली जरूरी है। सब लोग, घर के लोग, सब लोग अनुपमा को एयरपोर्ट तक तो भेज देंगे कि हम ध्यान रखेंगे छोटी का, चाहे अनुपमा की मां हो, चाहे अनुज हो, चाहे कोई भी हो, सब कहेंगे कि हम ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा आगे होगी बरखा, क्योंकि वो तो चाहती है कि अनुपमा जाए, अनुज जाए, ये सब चाहती है, और वो कोशिश करेगी कि अनुज भी जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरा जो फैमिली है, शाह परिवार, कपाड़िया हाउस और कांता बेन, सब लोग बोलेंगे कि हम छोटी का ध्यान रखेंगे, तुम अपना अमेरिका जाना कैंसिल मत करो, और मालती देवी का कॉन्ट्रैक्ट भी है सर पे। मगर ये सब होने के बावजूद अनुपमा फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि अनुपमा की कॉन्शियस फ्लाइट पकड़ने के लिए उसको अलाउ ही नहीं करेगी। जो कॉन्शियस के लिए, अपनी बच्ची के लिए, एक बच्चे के भविष्य के लिए अपना इतना कुछ कुर्बान कर सकती है, तो सपना तो उसके लिए चीज ही क्या है। तो ये आने वाले समय में देखा जा सकता है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे इस बात को अनुपमा लेती है, मगर मुझे यही लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.